आपने हमेशा दो पार्टी के नेताओं को आपस में भिड़ते देखा होगा। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि एक ही पार्टी के नेता भिड़ गए हों। हनुमानगढ़ में बुधवार को बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच मामला इतना बढ़ गया कि एक नेता के पैर में चोट आ गई, जिसे अस्पताल में एडमिट करवाना पड़ा। घटना उस वक्त हुई जब हनुमानगढ़ के प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा जिले में पहुंचे थे। दोनों नेता में मंत्री के साथ फोटो खिंचवाने की होड़ मची थी। इसी को लेकर विवाद हुआ और मामला लड़ाई और हाथापाई तक पहुंच गया। मामला बढ़ने के बाद मंत्री मौके से चले गए। बुधवार को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा वन महोत्सव कार्यक्रम को लेकर हनुमानगढ़ पहुंचे थे। इस दौरान कोहाल पेट्रोल पंप पर मंत्री का स्वागत कार्यक्रम था। इस दौरान भाजपा देहात मंडल महामंत्री दयाराम शर्मा और भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील जोशी और कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी हो गई। मामला बढ़ने के बाद दोनों के बीच झगड़ा हो गया। तो मेरे साथ मेरे मंडल में ही महामंत्री राजेश जी जिनागल हैं, जो ऐसी कास्ट के हैं, तो उनको उसने धक्का दिया साइड में करके और आगे फोटो खिंचाने के लिए चला गया। मैंने ये बोला भी इतनी धक्का क्यों दे रहा है यार, सुशील कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आए यार, आप भी आए हो, अपने शिष्टाचार से काम करो। तो इसने में वो मेरे से गाड़ी की लोज होने लगे, राजेश से गाड़ी की लोज होने लगे। कौन कौन? सुशील जोशी। सुशील जोशी, सुशील जोशी जो युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष है, तो वो और सभी ने उनको फिर पकड़ के साइड में किया तो गाड़ी क्लोज करने लगे, और इसी दौरान सब ने मिलकर उसको क्या किया, गाड़ी में बिठा दिया। फिर गाड़ी बिल्कुल मेरे पास में ले आके अंदर से गुप्ती निकाली, रोड निकाली, ठीक है, तो गुप्ती से भी बाहर किया उसने, गुप्ती भगवान की गरिमा रही कि वो गुप्ती मेरे नहीं लगी। फिर रोड से मेरे पैर पर चोट मारी, गिट्टी के ऊपर वो फ्रैक्चर हो गया। महामंत्री दयाराम शर्मा ने अपनी ही पार्टी के युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष सुशील जोशी पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, जब प्रभारी मंत्री सुमित गोदारा का काफिला हनुमानगढ़ के कोहला गांव पहुंचा तो सभी उनके स्वागत में उमड़ पड़े और वो भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनके स्वागत के लिए आगे बढ़े, तो पीछे से आए सुशील जोशी ने उनके साथी को धक्का दिया। इस पर उन्होंने टोका तो वो आग बबूला हो गए और गाली गलौज करने लगे। लोगों ने समझाइश कर उसे गाड़ी में बैठा दिया। प्रभारी मंत्री के जाने के बाद वो अपनी गाड़ी में बैठकर उनके पास आया और धारदार हथियार निकालकर मारने की कोशिश की, लेकिन वार खाली गया और फिर गाड़ी से रॉड निकालकर उनके पांव में चोट मारी, जिससे उनके पैर को फ्रैक्चर हो गया, साथ ही उनको अंदरूनी चोटें भी आई। इसके बाद घायल दयाराम शर्मा को हनुमानगढ़ टाउन के राजकीय चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने भाजयुमो के जिला अध्यक्ष सुशील जोशी पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि ऐसे व्यक्तित्व के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में क्या काम, उन्हें तुरंत प्रभाव से उनके पद से हटाना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। राजस्थान तक के लिए हनुमानगढ़ से गुलाम नबी की रिपोर्ट।